तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम जो है ना ये इन्वर्टर को फुल ऑटो करेंगे। पहले हमने इसको ऑटो ऑन ऑफ किया हुआ था, लेकिन इसके साथ चेंज ओवर लगाया हुआ था। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये बड़े वाला, ये वाला जो वाडा पे और जो है ना बैटरी पे इसको शिफ्ट करता था, लेकिन वो जगह कंज्यूम काफ़ी करता था। तो इस वजह से हम अब ये छोटी रिले लगाएंगे। इसकी बेस मिलती है, चाहे आप बेस के साथ जो है ना लगा के चला लें, तो चाहे मैंने इसके ये पॉइंट्स होल्ड कर दिए हैं, तो मैं जो है ना इसको करूँगा जो है ना इसके साथ ही डायरेक्ट सोल्ड करके ऊपर सिलिकॉन लगा दूँगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी वर्क करेगी। ये आप देख सकते हैं, ये 220 रिले है। मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। ये इधर भी लिखा हुआ है 220, ये देखें 240, 220, 240। तो इसको हम जो है ना चेंज ओवर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये इसके अंदर ही जो है ना, ये मैंने टाइम की बचत के लिए ये खोल के रखा हुआ है, तो इसको ये वायर लगा के अंदर ही सारा करके, तो इसको जो है ना इधर फिक्स कर देंगे। ये बॉडी के साथ अटैच ना हो, इधर फिक्स कर देंगे। तो इधर जो है ना मेन वायर का सुराख करेंगे, ये चार्जर इधर ही लगा रहेगा, मेन वायर का इधर सुराख कर लेंगे ऊपर बॉडी के ऊपर। तो जो है ना बड़ी इजी तरीके से ये फुल ऑटो हो जाएगा। तो मैं इसको पहले मोबाइल को हैंग कर लेता हूँ, तो फिर आपको जो है ना दिखाता हूँ ये कैसे होगा। तो फ्रेंड, वायरें हमने सारी सोल्ड कर ली हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अगला प्रोसीजर अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये मैंने दो वायर लगा ली हैं, मैंने पॉइंट को 8 और जो है ना 4 को जोड़ दिया, और 7 और 3 को जोड़ दिया। इस तरह हमने जंपर जो है ना जंपर वायर डालनी है, ये आप देख सकते हैं 8 और 4 जुड़ गया, तो 7 और 3 को कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं जो है ना ये दो वायर जिससे हमने आउटपुट लेनी है, ये मैं जोड़ता हूँ जो है ना 5 और 6 के साथ आउटपुट के लिए, तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने आउटपुट के लिए जो है ना वायरें ले ली हैं। अब जो हमारी इन्वर्टर की वायर होगी
जो ये वाली दो वायरें हैं जो डायरेक्ट स्विच के साथ लगी हुई हैं, ये वायर वाले, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वायर वाले स्विच के साथ इसको हमने उतार लेना। इसको हमने जो है ना इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लेना, मैं ये इन्वर्टर के साथ आपको कनेक्ट करता हूँ। वायर हमारे कोई भी आपस में टच नहीं होनी चाहिए, तो ये आपने काम बढ़िया एहतियात के साथ करना है। तो ये हमारे यहाँ से कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इधर हमने मेन लगानी है और ये हमने इधर कनेक्ट कर देना है। ये हम सबके सबसे एंड पे जोड़ेंगे, पहले हम इधर मेन लगा लेते हैं। तो ये हमारी मेन वायर है, मैं वीडियो ज़रा खोल करके इसको छील लेता हूँ। तो ये सारे कनेक्शन हो गए हैं, आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जो वायर निकालनी है ये वाली, ये चार्जर को लगनी है जो इस रिले को ऑन करेगा और ऑफ़ करेगा। बकाया ये सारे कनेक्शन हो गए हैं। तो इधर हमारी अब 7 और 8 पे जो है ना लगनी है मेन वायर। तो ये मैंने मेन वायर को भी सोल्ड कर लिया, तो मैं अब इसको जो है ना इसके साथ सोल्ड करता हूँ। इसको सारा सिलिकॉन से जो है ना फिल कर देंगे। तो फिलहाल जो है ना अभी हमारे काजू का तकरीबन काम खत्म हो गया, तो हम अब इसको जो है ना टेस्ट करते हैं। ये हमारी इधर आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो गया, तो मैं इसको भी सोल्ड कर देता हूँ आउटपुट के लिए। कंप्लीट हो गया, तो ये इसके कवर पे टॉप पे जो है ना सुराख निकाल रहे हैं। मैं इसको इधर रख लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ। तो इधर मैं सुराख निकालता हूँ। ये मैंने लोहे वाली बिट लगाई हुई है, मैं इसमें सुराख निकालता हूँ।
बड़े इजी तरीके से ये होल निकला है, तो इससे हम ये मेन वायर बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, अब ये हमारा वाड्डा पे चल रहा है, ये वाड्डा की वायर लगी है, ये बैटरी के एलिगेटर लगे हुए हैं। तो जैसे ही मैं भाई ये बैटरी पे चल रहा है, बल्कि वाड्डा ऑफ है, वाड्डा ऑन करना, ये वाड्डा पे ऑन हो गया, ये देखें हाँ वाड्डा पे चल रहा है। जैसे ही मैं अगर बेल ये एलिगेटर उतार भी देता हूँ तो ये वाड्डा पे चल रहा है, और अगर वाड्डा वाला सोचे उतार देते हैं तो ये देखेंगे वाड्डा वाला स्विच उतार दिया, तो ये बैटरी पे शिफ्ट हो गया। ये मैं आप एलिगेटर उतारता हूँ, ये सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। जब एलिगेटर लगाऊंगा तो ये चल जाएगा। अब ये एलिगेटर उतारा, आपको मैं खुद चेक करवाता हूँ। ये स्विच लगाया, ये इन्वर्टर पे वाड्डा पे चल गया, तो ये देख सकते हैं आप, ये सर्किट सारा हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो चार्जर लगाया हमने, ये इसलिए लगाया कि जब इसके एलिगेटर बैटरी के साथ लग भी जाएं तो जो है ना ये ऑन ना हो, जब ये लाइट जाए तब भी ये ऑन हो, मतलब जो इन्वर्टर पावर कंजम्पशन करेगा वो भी इस चार्जर से और रिले से नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं हमने ये लाइट गई हुई है, मतलब स्विच उतारा हुआ है, तो इसका वो उसने चार्जर ने सिग्नल दिया कि लाइट गई हुई है, तो उसने रिले ने ऑन करवा दिया इन्वर्टर को। जैसे ही हम ये वाड्डा में लगाते हैं, ये पावर का बटन ऑन किया तो ये वाड्डा पे शिफ्ट हो गया इन्वर्टर। आप पीछे से फ़ैन भी देख सकते हैं, फ़ैन भी नहीं चल रहा, तो ये फ़ैन मतलब करंट ही नहीं आगे पास हो रही, तो ये बंद हो गया। जैसे ये वाड्डा गई, ये फ़ैन चला और आगे उसने करंट दे दी। इस तरह का हमने सर्किट बनाया हुआ, ये नहीं इस तरह का नहीं बनाया हुआ कि वाड्डा पे और जो है ना ये इन्वर्टर भी चलता रहे, इस तरह का सर्किट नहीं है, क्योंकि वो पावर कंजम्पशन जो है ना बैटरी को लो करता रहता है, वो पावर लेता रहता है, तो इस वजह से हमने इस तरह का बनाया हुआ है, जब लाइट जाए तब ये चले, मतलब वो फ़ैन भी ना चले जब लाइट जो है ना आ रही हो। तो ये देख सकते हैं, ये फिर आप देख सकते हैं लाइट गई, फ़ैन चल गया, ये लाइट का स्विच ऑन किया वाड्डा का, ये वाड्डा पे शिफ्ट हो गया और फ़ैन बंद हो गया, इन्वर्टर बिल्कुल बंद हो गया। ये अब बैटरी की एलिगेटर उतार दी है।